लुक्का छुपी नहीं, हम हस्बैंड्स को पहले ब्लाइंड फोल्ड करेंगे और इस पूरे क्राउड में अपनी वाइफ्स को ढूंढेंगे, और अगर हस्बैंड्स ने अपनी सही वाइफ चुनी तो उस कपल को मिलेगा बेस्ट कपल अवार्ड। बोल में से एक चिट निकालनी होगी और जो चिट में लिखा होगा हस्बैंड को वो करना होगा। मुझे अगर रणबीर मुझे ढूंढ नहीं पाया तो, और उसने किसी और का हाथ पकड़ लिया, फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ पार्टी में किसी ने भी गजरा नहीं पहना। हाँ मैं समझ गई बूझी, लेकिन मैंने भी गजरा नहीं पहना है। अब पहनोगी? हाँ, ना मोगरे का देखना, इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल से ना रणबीर पहचान जाएगा कि वो तू ही है, और फिर वो तेरा हाथ भी पकड़ लेगा। और फिर हम वो बोल वाले चिट में से एक चिट निकालेंगे जिसमें लिखा होगा कि आप अपनी वाइफ को सबके सामने किस करो। पर मुझे आपको कैसे पता कि वही चिट निकलेगी? क्योंकि वो चिट रेड कलर की होगी, बाकी सब ग्रीन और येलो कलर की चिट है, और ये बात तो पल्लवी को भी पता है, तो निकलनी तो रेड कलर की चिट ही है। पल्लवी गेम शुरू करें, क्योंकि तुमसे ज्यादा एक्साइटेड हम सब हो रहे हैं। Yes, of course. Let's start. गेम शुरू करने से पहले लेडीज एक तरफ खड़े हो जाएं और जेंट्स एक तरफ। बोल में से चिट तो मैं निकालूंगी। इरादे तो इनके नेक नहीं लग रहे, पर ये कुछ भी कर ले रणबीर और प्राची को अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके साथ उनका रब है। तो लेट्स स्टार्ट द गेम। रणबीर, यहाँ पे कोई लड़की ऐसी है जिसने बालों में गजरा लगाया हुआ है? नहीं ना, मैं लगाऊंगी अपने बालों में, और मेरे प्यार की खुशबू से मेरी तरफ खींचे चले आओगे, ऑल द बेस्ट। मजा आ रहा है ना? हाँ जी बहुत, मुझे तो लग रहा है कुछ तो धमाल होने वाला है। तो गेम की शुरुआत हम विक्रम से करेंगे। ए भाई मैं क्यों? क्यों मतलब, आप तो जेंट्स टीम के कैप्टन हैं, आपसे शुरुआत करेंगे। चला है? कोजी साहब, जीत की टिप हमें भी कुछ दे दो। अरे कपूर साहब, टिप का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि जो भी मैंने किया डर के मारे किया। मैं मनी मन यही सोचता रहा कि अगर गलती से बाय चांस मैंने किसी और लेडी को हाथ लगा दिया तो पता नहीं पल्लवी मेरा क्या हाल कर देगी। कुछ भी, सबके सामने नाम खराब कर रहे हो मेरा। नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। व्हाट आई मीन टू से इज के प्यार में ही तो लोगों का बुरा हाल होता है, राइट? चलिए देखते हैं कि अब आप अपनी बीवी के लिए क्या करते हैं। आपको अपनी बीवी की शान में एक खूबसूरत शायरी कहनी होगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम शादी की पहली रात से करते आ रहे हैं। क्यों पल्लो? अर्ज किया है इरशाद। अब समझा मैं तेरे हुस्ने रुखसार पे दिल का मतलब। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब समझा मैं तेरे हुस्ने रुखसार पे दिल का मतलब, दौलत हुस्न पे पहरेदार जो बिठा रखा है। अब नेक्स्ट कौन है? राहुल। चलिए आज तो आपकी एनिवर्सरी भी है। एक सेकंड, राहुल की आंखों पर पट्टी मैं बांधूंगी। अरे प्राची बेटा, तुम वहां क्यों खड़ी हो? यहां सब लेडीज के साथ खड़े हो जाओ। अरे प्राची बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने, तो यहां अकेले क्यों खड़े? सारी लड़कियां एक लाइन में खड़ी ना, तो तुझे भी साथ में खड़ा होना चाहिए। चल मैं भी खड़ी होती हूँ, आप साइड हटोगे? थैंक यू।
ऑन राहुल, यू कैन डू इट, गो फॉर इट। वो राहुल नाम करवा दी यार। अरे इट्स ओके, सिर्फ गेम में किसी और का हाथ पकड़ा है, लेकिन रियल लाइफ में तुम्हारा हाथ ही थाम कर रखेगा। गलती तो हो ही चुकी है आपसे, देखते हैं अब आपकी पनिशमेंट क्या है। जिसका हाथ पकड़ा था उसी लड़की को उठाकर इस पूरे हॉल का चक्कर मारना होगा। ओए पुत्तर, उल्टा फेरा समझ के राउंड लगा ले और साथ में कसम खा ले कि आज जो गलती हुई है ना वो दोबारा नहीं होगी। क्या बात है मम्मी जी, सजा में भी मजा आ गया। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे सिवा कभी किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगा, और जो गलती आज हुई है दोबारा गलती वो कभी नहीं होगी। सॉरी। लो जी, हो गया आठवां फेरा पूरा। अब रणबीर की बारी। रणबीर को ब्लाइंडफोल्ड मैं करूंगी। ओके क्या बात है, शादी पे सहरा और रिसेप्शन पे ब्लाइंडफोल्ड। यहाँ पे कोई लड़की ऐसी है जिसने बालों में गजरा लगाया हुआ है? नहीं ना, मैं लगाऊंगी। मेरे प्यार की खुशबू से तुम मेरी तरफ खींचे चले आओगे। राजीव, इतना गुस्से में क्यों खड़ी है? फिर से चीटिंग की है इसने। एक नंबर की चीटर है, धोखेबाज है, झूठी है। क्या मतलब? जानबूझ के गजरा पहना है इसने ताकि गजरे की खुशबू से रणबीर पहचान सके और उसके पास चला है, फिर सबके सामने ढिंडोरा पीट सके कि ये दोनों कितने प्यार में हैं। और उस स्टूपिड सा खिताब जीतना है ना बेस्ट कपल का। मतलब खुल्लम खुल्ला बेमानी। कम ऑन नाउ, घूम जाओ। There you go. Go for it, रणबीर। डैड का नाम रोशन करना, नाक मत कटवाना।
मिलेगी पनिशमेंट। हाँ, और वो भी प्राची के साथ। ये गेम के रूल्स तो यही है ना। हाँ हाँ, आलिया ने भी तो बोला था कि रूल्स आर रूल्स। रणवीर, तू तैयार है ना पुत्र? ऑफ कोर्स तैयार हूँ। गलती करी है तो पनिशमेंट तो बनती है ना। इस बार पर्ची मैं निकालूंगी। अरे आप क्यों तकलीफ ले रही हैं? मैं हूँ ना मैच। ओए, मैं खेल में हिस्सा नहीं ले सकती। मैं इस घर की बड़ी हूँ, मैं भी तो कुछ करूँगी नहीं। आप नेक्स्ट चिट निकाले ना, ये चिट मैं निकाल। ना ना, ये चिट तो मैं ही निकालेंगी। अरे आप विक्रम पुलिस। इनका मन कर रहा है तो करने दो ना। वही तो। तू बाद में निकाल लेना। कोई अच्छी सी पर्ची आ जाए भगवान। अरे कहाँ गई? और फिर हम वो बोल वाले चिट में से एक चिट निकालेंगे जिसमें लिखा होगा कि आप अपनी वाइफ को सबके सामने किस करो। मुझे आपको कैसे पता कि वही चिट निकलेगी? क्योंकि वो चिट रेड कलर की होगी। ओह, ये तो गिर गई। कोई नहीं, दूसरी उठा लीजिए। कौन सी बड़ी बात है? हाँ ठीक है पुत्र। ये रही। देखे तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि लड़का और लड़की को एक साथ डांस करना होगा। ऑन करो, डांस का माहौल बनाओ।
रिया, रिया। रिया क्या हुआ, तुम वहां से ऐसे चली क्यों आई? तो क्या करती मैं बुझी, मैं खड़े रह के उन दोनों का तमाशा देखती, उनके वो डांस में मैं तालियां बजाती? नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि रणवीर को पता कैसे नहीं चला कि वहां तुम नहीं हो और प्राची है। मुझे उसे सब पता था, ही न्यू एवरीथिंग। उसे पता था कि मैंने गजरा पहना और इसकी खुशबू से वो मेरी तरफ आया भी था, लेकिन उसने जानबूझकर मेरा हाथ नहीं पकड़ा। ही लेफ्ट मी अगेन बुझी। रिया शांत हो जाओ, आई एम श्योर रणवीर से कोई गलती हुई हो। कोई गलती नहीं हुई बुझी, रणवीर ने सब जानबूझ के किया। वो मेरा हाथ नहीं पकड़ना चाहता था, वो उस प्राची का हाथ पकड़ना चाहता था, इसलिए जानबूझ के उसने ये तरीका चुना ताकि सबके सामने ही कैन कॉल प्राची हिज वाइफ एंड उसके मन में जो भी है ना वो उसके साथ कर सके। दैट्स व्हाट ही वांटेड। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? वो इसलिए बुझे क्योंकि रणवीर और प्राची को अलग करना आसान था, लेकिन एक दूसरे से दूर रख पाना इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। और वो इसलिए क्योंकि रणबीर स्टिल हैज फीलिंग्स फॉर प्राची। रणबीर आज भी प्राची से प्यार करता है और यही प्यार है जो रणबीर को बार बार प्राची की ओर खींच कर लेकर जा रहा है। मुझे इससे पहले कि रणबीर पूरी तरह से प्राची की ओर चला जाए, हमें उन दोनों को हमेशा के लिए अलग करना होगा। और इससे पहले कि रणबीर हमारी शादी को इलीगल अनाउंस कर देना, हमें उन दोनों को अलग करना होगा। And we'll have to separate them legally. Now. वाह, ऐसा डांस तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों सचमुच के पति पत्नी हो। अरे कोई रिया को बुलाओ, प्राची ने तो उसे सहेली से सौतन मनाने की ठान ली। पल्लवी, तुम प्राची से रिया के बाद मिली थी ना? आई स्वेयर अगर प्राची से तुम पहले मिली होती ना तो रणवीर की शादी प्राची से ही करवा देती। दोनों में कुछ तो बात है, बात सिर्फ डांस की नहीं है, ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और मैं भी ना, बेचारी को बुरा लगा होगा। उसे क्यों बुरा लगेगा, बुरा तो रिया को लगता अगर वो ये सब सुनती। क्या तुम्हें भी वही महसूस हुआ जो मुझे महसूस हुआ? मुझे ऐसा महसूस क्यों हुआ? नहीं, मुझे ऐसा फील नहीं होना चाहिए। मैं भी आता। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, पर मैं तुमसे खुद सुनना चाहता हूं। तुमने मुझे अपना मोबाइल नंबर क्यों नहीं दिया जब तुम गई थी? मैंने इतनी कोशिश करी तुम्हारा फोन नंबर ढूंढने की पर मुझे नहीं मिला।